आलू भी क्या चीज़ है ना, है मतलब चुपचाप शांत बेरंग सा पड़ा रहता है और इसको नहीं पता, लेकिन ये 50% यूट्यूब चैनल्स की गाड़ी चला रहा है, हमारी भी चला रहा है। कभी हम टिक्की बना देते हैं, कभी हम सब्जी बना देते हैं, कभी परोठे बना देते हैं, कभी कचौड़ी बना देते हैं, मतलब आलू के बगैर यूट्यूब चैनल्स का आज गुजारा नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये, तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार, और घूमते घूमते ये आलू कैसे एकदम क्रिस्पी पोटैटो नगेट बन जाएगा अगले 10 मिनट में आप देख लीजिएगा। 10 के 11 भी हो सकते हैं, वो मेरी कोई गारंटी नहीं है। जब मैं बोलना शुरू करता हूँ तो रुकना ज़रा मुश्किल हो जाता है। म्यूजिक के बाद कॉलिंग एंड एक्शन। क्रिस्पी पोटैटो नगेट बनाने के लिए आपको चाहिए पोटैटो। अब देखिए, तमाम तरह की रेसिपीज आपने देखी होंगी, क्रिस्पी नगेट्स, क्रिस्पी बोलना है या क्रिस्पी बोलना है, एग्जैक्टली मेरे से क्रिस्पी होता है, तो आप डिसाइड कर लो। फिलहाल तमाम तरह की रेसिपीज आपने देखी होंगी क्रिस्पी नगेट्स की। अब ये वाली जो रेसिपी है थोड़ी डिफरेंट है, यूनिक है, रिजल्ट्स गारंटीड है। इस रेसिपी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये आपके फ्रिज में कम से कम 3 महीने आराम से रह सकती है। अब ये जो पोटैटो बाइट्स या पोटैटो नगेट्स बोल के 300-300 रुपये के जो आप पैकेट खरीदते हैं जिसमें 30-40 नगेट निकलते हैं, वही नगेट को हमको बीट करना है इस रेसिपी से। उस नगेट की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उसमें बाइट होती है ना। ये जो ज़्यादातर रेसिपीज़ आप देखते हैं जो पोटैटो नगेट्स की रेसिपीज़ या पोटैटो बाइट्स की रेसिपीज़ हैं, उसमें उबले हुए आलू की टिक्की बनाई जाती है। उस टिक्की को छोटा छोटा काट के रोल करके और फ्राई कर दिया जाता है। पोटैटो नगेट की जो खूबी है कि उसके अंदर आलू की बाइट आती है, यानी कि आलू 2 स्टेज में पका होता है। एक पूरा पका हुआ आलू होता है और एक थोड़ा सा कम बाइट वाला आलू होता है, ठीक है जी। तो वो रेप्लिकेट करना ही एक अच्छी क्रिस्पी पोटैटो बाइट्स की मोनोपोली है। देखो जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है कि नहीं। अब आलू छील रहा हूँ तो कुछ तो बोलूँगा ना। एक तो उन्होंने मेरे को आलू छील के भी नहीं दिया आज, मैंने बोला अपना काम खुद करो। ये सब कैमरे के पीछे मुस्कुरा रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, इनसे सबसे अरबी छिलवाऊंगा मैं। अरबी जब हाथ में चिपकेगी और खुजली होगी ना, तब याद आएगा ये रणवीर से जो आलू छिलवाए थे। हेलो, ठीक है जी। तो आलू यहाँ पर 2 किस्म के यूज़ होंगे, आलू नंबर 1, आलू नंबर 2, ठीक है। आलू नंबर 1 इज रॉ पोटैटो, आलू नंबर 2 इज बॉइल्ड पोटैटो। और तीसरी चीज़ जो इसमें यूज़ होगी, जो इसकी मोनोपोली है, वो है, नहीं बटर नहीं, सबको बता रहे रणवीर है तो बटर तो डालेगा, बटर भी डाल देंगे, लेकिन चावल का आटा, चावल का आटा उर्फ राइस फ्लार। ये नज़दीक से देख लीजिए, नॉर्थ इंडिया में बड़ी प्रॉब्लम होती है, मिलता नहीं। चलो जी शुरू करें फिर अंताक्षरी, जो करे माँ ना प्यो वो करे बटर। देखो गार्लिक भी काट के नहीं दिया, कितने चलाक हो गए हैं ये, सारा काम मेरे से करवाएंगे। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, नहीं नहीं वो कोई बात नहीं, उनसे मैं गुइयां छिलवा लूँगा। तकनीक जो है ये तकनीक, हमने 2 तकनीकों को मिक्स करके बनाई। एक तकनीक होती है मोदक बनाने की, जिसमें कि हम चावल के आटे को अच्छे से पका लेते हैं और उसके बाद उस डो से मोदक बना लेते हैं, स्टीम कर लेते हैं। और दूसरी तकनीक है शू पेस्ट बनाने की, जिसमें कि हम ढेर सारा बटर पानी के साथ उबाल के उसके अंदर मैदा पका लेते हैं और फिर उससे शू पेस्ट्री बना लेते हैं। ये उन दोनों तकनीकों का मिश्रण है। इसको ब्राउन नहीं करना, तड़का नहीं लगाना, गार्लिक का कच्चापन मारना है और डाल देना है पानी। अब डालना है इसके अंदर जी नमक, थोड़ी शक्कर। अब आलू जो है मोटी तरफ से ग्रेट करेगा, मुंह में आना चाहिए। देखिए एक काम और हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है इसको। जब आप आलू बॉयल कर रहे हैं तब आप आलू को 70% पका लीजिए, है ना, और उसको ग्रेट करके इसमें मिक्स कर लीजिए, तो भी वही बात हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है ना, आलू को सिर्फ थोड़ा सा पकाना है, मतलब ये समझ लीजिए कि देखिए मोटा वाला लच्छा काटा है हमने, है ना, मोटे वाले लच्छे को बस 2-3 मिनट पकाना है, हलवा नहीं बनाना उसका। उसके बाद उसके अंदर डाल देना है चावल का आटा, सेम क्वांटिटी एज वाटर, और इसको घुमाते रहें, पकाते रहें, बीच में थोड़ी सी मोहब्बत दिखा दें बटर डाल के, ठीक है। एक और ट्रिक बताऊं,
अगर आपको लग रहा है कि मान लीजिए कि अरे नहीं रणवीर, यहाँ पे तो हमारा आलू ज़्यादा गल गया, हमने ज़्यादा बॉयल कर दिया था, टेक्सचर ये देखिए, जैसे यहाँ पर आलू दिख रहा है ना, ये अगर आपको लग रहा है कि आपको आलू का टेक्सचर नहीं मिलेगा, तो इस स्टेज में एक आलू और डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, गैस से हटाइए, एक आलू डाल दीजिए, अभी इतनी गर्मी है इसके अंदर, ये लीजिए, पक गया, पक भी गया और उसमें लच्छे भी हैं, देखिए डन। अभी ये जो है ये मिक्सचर जाएगा फ्रिज में और जब ठंडा हो जाएगा तो इसके साथ बाकी का काम होगा। वो जो बाइट है ना वो आ रही है। जब तक वो मिक्सचर ठंडा हो रहा है, मैं फटाफट से आपको बगैर उबले हुए आलू से कैसे बनाना है उसका भी एक मिक्सचर बना देता हूँ। क्या है ना, मन में बात नहीं रहनी चाहिए। आप बोलेंगे रणवीर ने बात भी बताई फिर आधी भी बताई। नहीं वैसे ऐसे तो नहीं बोलेंगे आप, बट मुझे लगा कि यार रणवीर बात पूरी कर, मेजरमेंट से चलते हैं। ये आधे कप के थोड़ा सा ऊपर पानी डाला और ये जो तीन आलू ग्रेट किए हुए हैं इसमें से दो आलू इस पानी में डाल दिए। नमक, शक्कर, ये आलू को पकने दें, इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, बस नाम भर के, हाँ रंग के लिए। अब इसमें ये आधा कप चावल का आटा, अब यहाँ पर वक्त लगाना है, एक बार चावल की लेस बन जाए ना उसके बाद बटर डालिए। अब इसके अंदर बचा हुआ आलू पानी निचोड़ के, ये इसको भी पकाना है, कच्चे आलू के थोड़ी ना खिलाने हैं नगेट, ये ली। तो टू पोटैटो बिफोर इन द वाटर, ठीक है, उसके बाद वन पोटैटो आफ्टर द राइस, हाफ कप वाटर हाफ कप राइस, रेशियो भी हो गया, प्रपोर्शन भी हो गया, मामला भी रेडी हो गया। ये लीजिए, अभी अपनी गर्मी से अपने आप सेट हो जाएगा, ये गैस करिए बंद और लेके आइए ट्रे नंबर दो। मैंने थोड़ा रंग इसलिए भी डाल दिया कि बाद में पहचान आ जाएगी ना कि कौन सा वाला कैसे बना। अब दो अगर जुड़वा भाई हैं तो कपड़े तो अलग अलग पहनाने पड़ेंगे ना दोनों को, वरना खो गए मेले में तो मिलेंगे कैसे। अब दूसरी बार जैसे ही आपने आलू डाला ना, ये देखिए तुरंत आपने हटा दिया क्योंकि ऑलरेडी ये देखिए ये पक गया है। जो कच्चा आलू बाद में डाला था वो ऑलरेडी पकना शुरू हो गया है, बाकी फ्राई होगा तो बिल्कुल पक जाएगा और टेक्स्चर भी देगा, वो पार्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी तो इफ्तदाए इश्क है, आगे आगे देखिए क्या होता है। अच्छा अभी जो है दो मिक्सचर बन गए, एक तो अपना ओरिजिनल जाना पहचाना सा वाइट वाला मिक्सचर बॉइल्ड पोटैटो के साथ जो बनेगा, और दूसरा येल्लो मिक्सचर जो कि एकदम असली बाजार जैसा पोटैटो नगेट बनाने के लिए तैयार है। तो ये है जी पहली वाली रेसिपी की तैयारी, ठीक है, सफ़ेद वाला जो मिक्सचर बनाया था ना उसकी तैयारी है। आलू, उसके अंदर अपना मिक्सचर, अभी ये जो मिक्सचर है ना सफेद वाला मिक्सचर, इसमें हमको ऊपर से ब्रेड क्रम लगाना है, लगाना पड़ेगा, बिकॉज इसमें हमने डाला है उबला हुआ आलू जो पानी नहीं खींचेगा। जो येलो वाला मिक्सचर है उसमें ब्रेड क्रम व्रेड क्रम लगाने की कोई जरूरत नहीं, सीधा फ्राई कीजिए। तो क्योंकि इसके ऊपर ब्रेड क्रम लगाना पड़ेगा इसलिए इसमें चीज डाल सकते हैं आप ठोक के, क्योंकि बाहर से ब्रेड क्रम जो है वो पकड़ बना लेगा, चीज बहेगी नहीं, ठीक है, उस वाले में आप चीज नहीं डाल सकते, फर्क दोनों में ये है, ठीक है। तो मैं ये सफेद वाले मिक्सचर के लिए चीज लेके आता हूं और साथ में अपना येलो वाला मिक्सचर लेके आता हूं, ठीक है। अभी ये सफेद वाले मिक्सचर में डाली चीज, बस ये वाले मिक्सचर की यही मोनोपोली, अदरवाइज अगर आपको टिपिकल क्रिप्सी पोटैटो नगेट बनाने हैं तो ये सिर्फ कच्चा आलू लें और वहीं पे काम खत्म कर दें, लेकिन अगर आपको चीज डालना है तो फिर उबले हुए आलू वाला मिक्सचर बनाने की जरूरत है, ठीक है जी। इसके बाद आपको दोबारा कहीं पर भी कोई बोलेगा क्रिप्सी पोटैटो नगेट, आप हाथ खड़ा कर लेंगे, बोलेंगे पता है ना। ये देखिए इसमें अभी भी आलू के लच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें टेक्सचर नहीं है, उसमें ज्यादा है,
येलो वाले में ज्यादा है। अभी देखिए, एक ये है मिक्सचर और एक ये है मिक्सचर, ये देख रहे हैं, इसमें लच्छे हैं, आलू है, टेक्सचर है। ये जो पीला वाला मिक्सचर है, जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये एकदम टाइट होगा, ये अंदर से नरम होगा बस। तो अगर आपको मेरी तरह पटेटो क्रिप्सी बाइट, मतलब पटेटो चाहिए, तो फिर ये वाला बनाइए, है? और अगर आपको एकदम क्रोकेट वाला नरम नरम चीज़ी चीज़ी टाइप का फील चाहिए तो ये वाला बनाइए। दोनों सोल्यूशन दे दिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बता दिया कि हर किस्म का क्रिप्सी पटेटो, बाइट पटेटो, नगेट पटेटो पॉपर कैसे बन सकता है। अब जी मैदा, मैदे में नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, दूसरे बोल में मैदा, नमक, हल्की सी लाल मिर्च, पानी, इसका बना लेना है जी लिजाम उर्फ लियाज़ों उर्फ बैटर। ठीक है जी, अब बना लेनी है ये ट्रेन, जो यहाँ से शुरू होती है यहाँ तक चलती है, हैं? पहले सूखा सीजन्ड मैदा, उसके बाद लिजाम और ब्रेड क्रम। इसमें ना फायदा क्या है कि आप इसकी ट्रिपल लेयरिंग कर रहे हैं ना, पहले सूखा मैदा, फिर लिजाम, फिर ब्रेड क्रम। जब भी आप ट्रिपल लेयरिंग करते हैं तो आप बेझिझक बगैर शर्माए स्टफिंग डाल सकते हैं, चीज डालिए, ये डालिए, वो डालिए, जो डालिए, क्योंकि फटेगा नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे चीज पोटैटो बाइट्स, या चीज पोटैटो पॉपर्स, या चीज पोटैटो शॉर्ट्स, या चीज पोटैटो नगेट्स, या क्रिप्सी पोटैटो क्रोकेट्स। ठीक है, अब एक बार ये बन गए, इसके बाद इसको कम से कम 10 मिनट फ्रिज में रखिए ताकि अपनी शेप पकड़ ले, उसके बाद इसको फ्राई करिए। तो ये तो प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हो गई। और ये मेरे फेवरेट वाले जो एक्चुअल असली पोटैटो नगेट है, उससे आप क्या करना आके बताता हूँ। लो जी मिक्सचर नंबर 2। ठीक है, ये इसको गूंद लिया एक तरह से, गूंदने के बाद अब इसके अंदर चाहे तो बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल सकते हैं, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको 3 महीने की गारंटी चाहिए, जो मैंने पहले बोला था, तो ये मिक्सचर ऐसे का ऐसा फ्रिज में डाल दीजिए, कुछ नहीं होगा 3 महीने तक। अगर आपको 6 महीने की गारंटी चाहिए तो इस मिक्सचर के हाफ फ्राई करके पोटैटो नगेट्स डाल दीजिए फ्रिज में, उनको फ्रीजर में, उनको 6 महीने तक कुछ नहीं होगा। ऐसे ही अगर आप ये मिक्सचर रखेंगे बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये रखा हुआ है, तो फिर 3 दिन से ज़्यादा ही गारंटी नहीं ले रहा मैं, लेकिन अगर फ्रीज करेंगे तो 3 महीने की। ठीक है, इसके अंदर भी थोड़ा सा बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर चुटकी भर डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा और क्रिस्पीनेस और खिला हुआ टेक्सचर चाहिए तो। ठीक है, मैं नहीं डालूंगा। अगर आप बेस्ट शेप इसकी बनाना चाहते हैं तो इसको पकड़िए टाइट ऐसे और इसके बना लीजिए लड्डू, वो है इसकी बेस्ट शेप। लेकिन इसके भी वो क्रोकेट आप बना सकते हैं जैसे मैंने वहां पे बनाए थे ऐसे, ये देखिए। तो लेस झंझट है ना, एक तो आलू उबालना नहीं पड़ा अलग से, दूसरा ब्रेड क्रम की टेंशन नहीं है कि ब्रेड क्रम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसलिए मेरा फेवरेट है ये। और तीसरा, एक्चुअली वो जो आप महंगा वाला लेके आते हैं उसका टेक्सचर, इसका टेक्सचर सबसे क्लोज है। क्लोज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका टेक्सचर उससे बेटर है ना। देखिए नगेट का मतलब ये होता है बाइट साइज, मतलब अगर आप क्लासिकली देखें तो सबसे छोटा हो गया पॉपकॉर्न, उससे बड़ा हो गया नगेट, ठीक है, और नगेट से बड़ा हो गया क्रोकेट, और क्रोकेट से बड़ी हो गई बर्गर पैटी। हाँ, बर्गर पैटी से याद आया, इस मिक्सचर का भी, यानी कि पीले मिक्सचर का भी और सफ़ेद मिक्सचर का भी आप बहुत बढ़िया बर्गर बना सकते हैं। सेम मिक्सचर लें, उसको ऐसे छोटा छोटा बनाने के बजाय टिक्की बनाएं, टिक्की बनाने के बाद उसको पैन पे पका लें, ओवन में डाल दें, डीप फ्राई कर लें, जो मर्जी कर लें, और बर्गर के अंदर डालें, और आपका बर्गर का जुगाड़ भी खत्म, क्रिस्पी पोटैटो बर्गर। हेलो जी, ब्यूटीफुल, देखो
और अगर आप बहुत ही रिफाइंड वाला बनाना चाहते हैं और आप बड़े शहरों में रहते हैं जहाँ पे सामान मिल जाता है, तो राइस फ्लावर की जगह पोटैटो स्टार्च को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये वाले का फ़ायदा क्या है, जब मैं फ्राई करूँगा आप रियलाइज़ करेंगे, एकदम टाइट घट होता है तो इसकी वजह से इसको टॉस करना आसान है। बाद में मंचूरियन में डाल दिया, सेजवान में डाल दिया, किसी भी चीज़ में डाल के टॉस करना आसान है, टूटेगा नहीं। दूसरा वाला जो है थोड़ा नाजुक है, चीज़ी है, तो इसलिए उसको टॉस करना मुश्किल है। तो अगर कभी आलू मंचूरियन या ऐसा स्टर फ्राई पोटैटो ऐसा कुछ बनाना है तो उसके लिए ये पीला वाला मिक्सचर। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान ये रखना है तेल जो है वो तेज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मिक्सचर में पानी बहुत है, तेल तेज नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। ये तो हो गया पोटैटो बाइट्स। इसकी रेसिपी में अगर मेरे को चेंज करना होगा तो मैं एक चेंज करूँगा, वो ये कि इसकी रेसिपी में मैं अगली बार पानी चावल से थोड़ा कम, पौना रखूँगा। दैट्स दी ओनली चेंज आई विल मेक, बिकॉज आलू का पानी भी ऐड हो रहा है, राइट? यानी कि अगर एक कप चावल ले रहा हूँ तो पौना कप पानी, ठीक है। ये जो भी लिख रहा होगा वो नीचे लिख देगा ताकि आपको कैप्शन में समझ में आ जाए। फुल पटाका। मजे की बात यह है कि इसके अंदर चीज नहीं है लेकिन चीज का टेस्ट है। क्यों? क्योंकि वो चावल की जो क्रीमीनेस है ना और जो हमने बटर डाला हुआ है, वाह, और रेशा देख लीजिए अभी भी है। आलू की जो बाइट है ना वो देखिए। अब अपना सफेद वाला मिक्सचर जो हमने बॉइल पोटैटो से बनाया जिसमें चीज भरी है, उसको फ्राई करते हैं। Fantastic. ये है जी दूसरे नगेट। ये जो है तो मैं कहना क्रुकेट टाइप है, कॉन्ट्रास्टिंग है, ऊपर से एकदम क्रिप्सी और अंदर से एकदम ये चीजी। अभी देखिए इन दोनों में फर्क क्या है। ये है सॉफ्ट और ये है एकदम टेक्सचर वाला, राइट? यानी कि अगर मुझे किसी भी सॉस में टॉस करना है तो मैं इस नगेट को नहीं करूँगा, मैं करूँगा इस नगेट को, राइट? तो इसी तरह आपको सेजवान पोटैटो नगेट की रेसिपी बता देते हैं, क्योंकि काम तो कुछ है नहीं उसमें, मेहनत वाला काम हम वैसे भी नहीं करते, ठीक है जी। सेजवान सॉस, हरा प्याज और अपना पोटैटो नगेट। ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, नगेट जो है वो फ्राई होके निकला है इसलिए उसमें ऑयल ऑलरेडी है। सेजवान सॉस लिया, ये अपना क्रिप्सी क्रिप्सी नगेट डाला, और टॉस कर दिया। और अगर आपको लग रहा है कि रणवीर ये टेढ़ा मेढ़ा क्रश किया हुआ कागज़ क्यों है, तो भाई फैशन है, जैसे कपड़ों में फैशन होते हैं प्लेटिंग में भी फैशन होते हैं। वेल जी, देखो रखते ही चमक आ जाती है ना, रखते ही लगता है ना कि एकदम हम पेरिस वेरिस पहुंच गए किसी रेस्टोरेंट में एकदम चमकदार खाने के सामने। देखिए मॉरल ऑफ द स्टोरी बड़ा सिंपल है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको पोटैटो नगेट्स की रेसिपी बतानी थी दो तरीके से, ठीक है। एक तरीका बगैर झंझट वाला जिसमें ना ब्रेड क्रम्स चाहिए ना
उबला हुआ आलू चाहिए। दूसरा तरीका पोटैटो क्रोकेट स्टाइल का, जिसके अंदर आप चीज़ स्टफ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको ये बताना था कि इन क्रिस्पी पोटैटो नगेट्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, जैसे सेजवान पोटैटो नगेट्स बना सकते हैं, चिली पोटैटो नगेट्स बना सकते हैं, कोफ्ते की जगह पोटैटो नगेट्स डाल सकते हैं, मंचूरियन में डाल सकते हैं, तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस्तेमाल करना है कच्चे पोटैटो वाला पोटैटो नगेट्स। थैंक यू वेरी मच, मुझे बड़ा मज़ा आया। आपको यकीन नहीं होगा, हमको ये रेसिपी ख़त्म करनी थी एक घंटे में, हमको ढाई घंटे हो गए। मैं ढाई घंटे से लगा हूँ, मकसद सिर्फ मेरा यही रहता है कि यार कुछ छूट ना जाए, यार कुछ छूट ना जाए। उम्मीद रखता हूँ कि कुछ छूटा नहीं होगा आपको। अब ये पोटैटो नगेट्स, पोटैटो बाइट्स, पोटैटो पॉपर्स, पोटैटो शॉर्ट्स की फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री सारी समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच एंड इट वॉज अ प्लेजर।